किया था। ये भाई लोग जा रहे हैं ट्रैक के लिए रूपकुंड, एंड अब हम जा रहे हैं दिल्ली के लिए। सो भैया कोई इन्फॉर्मेशन दे दो यहाँ की। टाइम पर हम आली बुग्याल के समिट पॉइंट पे हैं। सामने रास्ता ही आपको दिख रहा होगा, उसके पल्ली तरफ बैदनी बुग्याल है, फिर उससे 7-10 किलोमीटर आगे पातर नचने आ जाएगा, पातर नचने से फिर कैलू विनायक, कैलू विनायक से बकवा बासा, देन आप रूपकुंड जो कि बिस्टी लेक के नाम से फेमस है, और यहाँ से मिनिमम 20 किलोमीटर अभी आगे रूपकुंड है। इस सीजन में बहुत अच्छी बर्फबारी हो रखी है, इसलिए हम रूपकुंड इस टाइम पर कोई जा ही नहीं सकता। और वैसे भी ऑलरेडी फॉरेस्ट का यहाँ पर एक इशू है कि आप ट्री लाइन तक ही आ जा सकते हो, और जो कि एक दिन में करना बहुत इम्पॉसिबल है। और भैया ये मतलब कैसे कितने फीट पे है ये? अभी हम 12,200 फीट की ऊंचाई पे। 12,200 फीट, ओ भाई साहब। सो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये आप बताना, एंड अब व्यू तो हमने देख लिया। चलते भाई नीचे, एंड उसके बाद से जहाँ पे अपनी बाइक खड़ी है वहाँ चलते हैं, और कल निकलेंगे सीधा दिल्ली के लिए। A few moments later. So, देसी मुंडो वेलकम बैक। अभी जो है अभी हम वहीं पे हैं जहाँ पे कल हमने राजमा चावल वगैरह खाया था, यही वो लोकेशन है जहाँ पे राजमा चावल खाया था। चाय आ गई भाई अपनी, ठीक है। सो मैं बता, 12,500 फीट के ऊपर से हम आए हैं नीचे, अभी हम दीदीना पे रुके हुए हैं। टाइमिंग के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो 3:50 हो रहे हैं, और ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, इसके भी पीछे से और ज़्यादा ऊपर से हम नीचे आए। आई गेस हम चले थे 10:45 पे चले थे, 10:45 पे चले थे नीचे उतरना, ना कितने बजे 12:45 पे स्टार्ट करा था, एंड अभी 3:50 हो रहा है। और पैरों की जो हालत है ना, ये बिल्कुल सूज गया है भाई साहब, बिल्कुल सूज गया है। तो ना नीचे उतरने में ना ऐसे करके यार, पता नहीं क्या, नीचे उतरने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर चढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर और रह गया है उल्लिंग के लिए, एंड वहाँ से फिर लाहौरगंज जहाँ पे अपना होटल है वहाँ पे। सो आई गेस स्नान करके भी 6 बजे तक तो पहुँच जाएंगे, 6 बजे से पहले पहुँच, ये लेके चल रहा हूँ मैं, पैकिंग वगैरह करेंगे और कल निकलेंगे। सो अभी चाय वगैरह पीते हैं, कल मिलते हैं भाई। सो देसी मुंडो अभी हम निकल चुके हैं दुदिनी से, एंड 4:07 हो रहे हैं, अब सीधा लॉजिंग के लिए जाएंगे और सीधा आपको लॉजिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट करा था वहाँ पे अब पहुँच चुके हैं, टाइम हो रहा है 6:20, एंड यहाँ से हमने स्टार्ट करा था और यहाँ से हम गए थे, यहीं से गाड़ी हमें पिकअप करने आई थी, और ये रही गाड़ी। एंड अब चल रहे भाई होटल की ओर, पहले कुछ खाएंगे उसके बाद फिर कुछ बनाने का सोचेंगे। प्यास लगी है, भैया ने पानी ले लिया है, सो अब चलते भाई फटाफट बैड पर निकलते। लेटर दैट सेम इवनिंग, देसी मुंडो देख रहे हो भाई 6:46 हो रहे, जस्ट पहुँचे हैं और बारिश स्टार्ट हो गई है बहुत तगड़े वाली, एंड यहाँ से हमारे लॉन्च का रास्ता जाता है, बगीरा वगैरह भी वहीं पे खड़ी है। तो अभी यहाँ पे चाउमीन वगैरह खा रहे हैं हम, ये रहा जयदीप, बच गए रहा गोलू और कार्तिक। सो अभी यहाँ पे चाउमीन वगैरह खाते हैं, उसके बाद फिर सीधा अंदर चलते हैं। The next morning. So, hello, देसी मुंडो, आज हमारी प्लानिंग है घर जाने के लिए। सो सारा कुछ सामान वगैरह पैक हो गया हमारा, A to Z, रूम वगैरह सब कुछ चेक कर लिया हमने, एंड टाइम हो रहा है अभी 9:30। 8 बजे का हमारा प्लान था कि 8 बजे निकलेंगे, लेकिन डेटा ट्रांसफ़र और पैकिंग वगैरह करने में टाइम लग गया। सो अभी चलते हैं अपनी बाइक्स के पास में, मेरा बैग ये रहा, सारा कुछ रेडी है, जयदीप का बैग और कार्तिक का सैडल बैग वगैरह सब कुछ रेडी है। सो अब टाइम को वेस्ट नहीं करते, अभी सुबह में हमने चाय वगैरह पिया था। ये भाई लोग जा रहे हैं ट्रैक के लिए रूपकुंड, एंड अब हम जा रहे हैं दिल्ली के लिए। सो हमारा प्लान एस्टिमेट ये बन रहा है कि हम 6-7 बजे के आसपास में पहुंच जाएंगे, लेट वगैरह होके 8 बज जाएंगे मेरे ख्याल से। सो अब चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते भाई, फटाफट से निकलते हैं यहाँ से,
लेट्स गो। तो जैसे मुंडो अब निकलने की प्लानिंग हो गई है अपनी स्टार्ट। बगीरा देख रहे हो वहाँ पे है और बगीरा के साइड में स्पीकर लगा हुआ है तो फुल पावर गाने सुनते हुए जाएंगे। भाई साहब स्पीकर फुल सेट है, हिमालयन वहाँ पे है। एक्चुअली सीन क्या होता है, जब हम रात में आए थे तो जैसे ही हम लोग पहुँचे वैसे ही बारिश स्टार्ट होने लगी। बहुत एग्जैक्ट टाइम पे आए थे हम, 6:30 बजे के आसपास आए थे। उसके बाद से मैं कुछ बता नहीं पाया क्योंकि इस हालत में ही थे, सारे थके हुए थे। सो अभी आई गेस 10 बज रहा है तो अभी टाइम को वेस्ट नहीं करते। स्पीकर थोड़ा सा हिल रहा है, स्पीकर को दोबारा से सेट करते हैं और फिर यहाँ से दिल्ली के लिए निकलते हैं। बाय द वे अभी गाड़ी में मेरे पेट्रोल है नहीं, ना हिमालयन में, तो जहाँ पे पेट्रोल पंप मिलेगा वहाँ पे पेट्रोल भरवाएंगे, फिर आपको अपडेट देंगे आगे क्या होता है क्या नहीं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो देसी मुंडो अभी हम देवाल पे रुके हैं एंड लाहौजिंग से देवाल आई गेस कितना किलोमीटर है, 35 किलोमीटर। टाइम हो रहा है अभी 11 बज रहे हैं, छोले भटूरे वगैरह सारे खा रहे हैं हम। सो अभी यहाँ पे आधे घंटे का ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम निकलेंगे सीधा अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। शिकंजी पीना है भाई हमें देवप्रयाग पे। सो देखते हैं कि देवप्रयाग में रुकेंगे या फिर कहाँ पे रुकेंगे और बाकी हम आगे चल के आपको दिखाते रहेंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अभी जो है नाश्ता वगैरह हो गया अपना, छोले भटूरे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ हो गया। अब हमें देवप्रयाग रुकना है। देवप्रयाग आई गए 300 कुछ किलोमीटर है यहाँ से, जहाँ पे हमने शिकंजी वगैरह पिया था वहाँ पे शिकंजी वगैरह पियेंगे। अगर उससे पहले रुकेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बाय द वे अभी टाइम हो रहा है 11:30। ये होटल है जहाँ पे छोले भटूरे वगैरह मिलता है एंड ये रहे भैया के ओनर यहाँ के। भैया हाँ जी, ये बताओ कि छोले भटूरे सिर्फ आपकी शॉप में मिलता है या कहीं और भी मिलता है? मिलते हैं लेकिन यहाँ पे और जगह मैदे के मिलते हैं, यहाँ पे आलू और मैदा और ये मिक्सर रहता है आटा। अच्छा, सो एक बार विजिट करना भाई अगर यहाँ पे आ रहे हो तो। ये लोकेशन कौन सी है भैया? देवाल। देवाल यहाँ से कहाँ रुकना है हमें शिकंजी के लिए? देवप्रयाग। देवप्रयाग कितना दूर है भैया यहाँ से? देवप्रयाग एग्जैक्ट 185 किलोमीटर के आसपास। 11:30 हो गए भाई, टाइम को वेस्ट नहीं करते, निकलते यहाँ से। अगर 190 किलोमीटर के आसपास है तो सीधा देवप्रयाग पे रुकेंगे, वहाँ पे शिकंजी वगैरह पियेंगे और अगर कहीं और रुकते हैं तो फिर आपको बाद में अपडेट देते रहेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड।